आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अज दा जो आम आदमी पार्टी के वर्करां ने बठिंडा शहर के प्रदर्शन किया है, ये कल पंजाब की विधानसभा जिन्हों लोकतंत्र का सब तो वड्डा मंदिर कहा जाता है उहदे विच लोकतंत्र के सब तो वड्डे रखवाले पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने लोकतंत्र की हत्या की है, बहुत बुरी तरह लोकतंत्र का गला घोटिया। उहदे विरोध दे विच आम आदमी पार्टी के वर्करां ने अज पंजाब सरकार दी ते पंजाब दे स्पीकर दी अर्थी फूकी है। कल एक बहुत बड़ा धक्का आम आदमी पार्टी के एम एल ए नाल होया। साढ़े अमृतधारी एम एल ए साहिबान की दस्तार लाही गई, लेडीज़ एम एल ए उन्हां दीआं चुन्नियां लाइया गई। लोकतंत्र के मंदिर के इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की बदमाशी 70 साल के इतिहास के मैनू नहीं लगता हिंदुस्तान के किसी बंदे ने अज तक देखी होगी जो कल पंजाब की विधानसभा होया। बेहद मंदभागा ते पूरी पंजाबीयत नू शर्मसार करने वाला एक काम होया। एक काम इस करके होया क्योंकि इत्थे जिहड़ी हुकूमत चल रही है वह लोकतंत्र नहीं, वह रजवाड़ा शाही चल रही है। वह रजवाड़ा शाही लोकतंत्र दीआं आवाज़ां नू बंद करन ते उन्हां दा गला घुटन ते लगी हुई है, पर उन्हां नू ये नहीं पता भी हुण विरोधी धिर जिहड़ी हैगी है वह अकाली दल नहीं हैगा जिहड़ा उन्हां दे नाल मिलिया होया सी। हुण विरोधी धिर दे विच आम आदमी पार्टी है, आम लोगों के नुमाइंदे है, आम लोगों के हर दुख दीआं गल्लां सुख दीआं गल्लां उन्हां दे तकलीफां दे मुद्दिआं नू आम आदमी पार्टी के एम एल ए पूरी जोर शोर नाल चक्कणगे ते दुनिया की कोई ताकत उन्होंने इस काम तो रोक नहीं सकती। साड़ी मुख मंग जिहड़ी है वो यह है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कल की कत्तर घटना के उत्ते माफ़ी मंगे। साढ़े दोनों एम एल ए जिहड़े सस्पेंड किए हुए हैं सुखपाल सिंह खहरा जी ते सिमरजीत सिंह बैंस, उन्होंने दोनों की सस्पेंशन कैंसल की जाए तो मुड़ उन्होंने हाउस के विद ऑनर वापस लैके आया जाए। तो जो यह अगे तो जिन्हें मैटर पंजाब की जनता के रिलेटड पंजाब के एम एल ए चक रहे हैं, चाहे वह बहुत बड़ी लुट का मामला होवे जिहड़ी खड्डा के मामले के राणा गुरजीत ने की है वह मुद्दा होवे, चाहे किसानों की कर्ज माफ़ी का मुद्दा होवे, सारे मुद्दे चक्कन की परमिशन दी जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।